Hello students, welcome to study center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is if 2 power n minus 7 multiply 5 power n minus 4 is equal to 1250, find the value of n. तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. देखो ये क्वेश्चन है और हमको n की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है कि n की जगह क्या आएगा. तो देखो मैंने क्या किया इसमें कि 2 power n minus 7 है और 5 power n minus 4 था. तो देखो पावर को हम इक्वल कर लेते हैं. यहाँ पर n माइनस 7 है, यहाँ पर n माइनस 4 है, ठीक है. तो आप किसी भी पावर को इक्वल कर सकते हो, इट्स ऑन योर चॉइस, ठीक है. तो देखो मैंने क्या किया, 5 की पावर n माइनस 4 को मैंने 5 की पावर n माइनस 7 लिखा, बट जब मैं इसको n माइनस 7 करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने इसमें से 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, तभी देखो दोनों की मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 5 की पावर n माइनस 4 होगा. एक्चुअली मैंने इसमें से 5 की पावर 3 को कम कर दिया है, पावर 3 कम की है, माइनस 4 से माइनस 7 कर दी, तो मुझे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर रखना पड़ेगा, ठीक है. अब देखो 2 की पावर n माइनस 7 हो गया और मल्टीप्लाई में 5 की पावर n माइनस 7 हो गया. तो अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो ये 5 और 2 की मल्टीप्लाई होकर हम कह सकते हैं 10 की पावर n माइनस 7, ठीक है. और ये हो गया 5 की पावर 3, दैट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं 125, 5 जा 25, 25 जा 125, तो ये 125 हो गया ये वाला पार्ट. अब इस 125 जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके ये 1250 को डिवाइड कर देगा, तो डिवाइड करने के बाद कितना रह जाएगा, ओनली 10 रह जाएगा. तो आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी. अब देखो यहाँ पर 10 की पावर n माइनस 7 है और यहाँ पर 10 है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 10 की पावर 1, ठीक है. तो अब हम देखो बेस सेम है, 10 है, यहाँ भी 10 है और पावर यहाँ n माइनस 7 है और यहाँ पर हम कहेंगे पावर 1, तो हम कह सकते हैं n माइनस 7 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी ये इक्वल होंगे. तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सॉल्व होके n इज इक्वल टू 8. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. नाउ ऑन द बेस ऑफ सेम क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ये यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है, बट आपको इन्हीं रूल्स का यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो. क्वेश्चन इज इफ 25 पावर n माइनस 1 प्लस 100 इज इक्वल टू 5 पावर 2n माइनस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n. और जो भी आंसर आए उसको कमेंट सेक्शन में लिख के कमेंट करो. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.